नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉगिन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। प्रतापगढ़ की घनी बस्ती में लटक रहा हाई टेंशन तार, कभी भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना। एक सप्ताह पहले बाजार करने जा रहे युवक की करंट की चपेट में आने की वजह से एक घंटे तक बेहोशी की हालत रही थी। अब मुश्किल उसकी जान बच पाई थी। हाई टेंशन तार की वजह से बनाए हुआ है हर वक्त खतरा। मुस्लिम महिलाओं ने बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए अपनी समस्या के निराकरण के लिए प्रदर्शन किया। में छू जा रहा है, जो है लाइन गई है। यहाँ पर ऐसी कई घटना हो चुकी है, जो मोटरसाइकिल बाइक पर लोग जा रहे थे, झुलस गए थे। आज के एक हफ्ते पहले जो है खतरा बराबर बना हुआ है। बिजली की शिकायत लिखित रूप पर जो है लोगों ने एसडीओ को, एक्सीएन को दिया, लेकिन आज तक कोई यहाँ पर बनाने के लिए लाइन आया नहीं। आइए हम जानते हैं। बताइए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? क्या नाम? लाइट नहीं रहती है। क्या नाम आपका? हमारा नाम सलमा है, मैं यहाँ की निवासी है। क्या, रहने कौन सा गांव है तुम्हारा? एक ढाबर बाजार पूरब गांव। क्या परेशानी है बताइए? परेशानी सर यही है, लाइट नहीं आती, लाइट के तार इतना झुक गया है, और बच्चे भी हुए और बड़े आदमी भी हुए, कभी भी मर सकते हैं। क्यों नहीं लाइट यहाँ पर? बिजली विभाग का कोई लाइन मैन, कोई जेई यहाँ बिजली ठीक करने के लिए आता है कि नहीं आता? नहीं सर, कोई नहीं आता। ऐसे सारा दिन, सारी रात ऐसे सब ऐसे परेशान हम लोग रहते हैं। क्यों नहीं आते? क्या मतलब है इसका? बिजली बिल नहीं लेना है क्या? काफी दिन से लटक रहे हैं। हाँ सर, कभी भी आदमी कभी मर सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्यों ऐसे होता है यहाँ? बिजली विभाग के अधिकारियों से आप क्या कहना चाहेंगे? सर यही कहना चाहते हैं, लाइट क्यों नहीं आती? बिजली बिल नहीं लेना है क्या? लाइट बिल ना जमा करना है तो इसके बाद सरकारी ताला लगा देंगे और ले जाके जेल के रोटी में। क्यों नहीं ऐसे काम करते हैं? जो तार बिल्कुल खराब हो चुका है, जो लटक रहा है सर पर, आप लोगों के जो छू रहा है सर में जो है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ठीक सर, ये मर जाएंगे हम लोग और क्या होगा? जब मर जाएंगे तब आएंगे लाइट वाले बनाने के लिए। क्यों नहीं आते सर? इतना दिन से, 5-6 महीने से ऐसे ही।